वेलकम टू द डिफेंस वेटरेशन एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं यार क्रांतियाँ। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों, ये वो क्रांतियाँ नहीं है कि रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति है ना, 1857 की क्रांति, उन क्रांतियों का भी हम लोग आगे जिक्र करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं वो क्रांति हैं हरित क्रांति आपकी, जैसे श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति। ऐसे क्वेश्चंस आपके इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एयरफोर्स एग्ज़ाम्स में ही नहीं, अब कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम्स में आप अगर जीके का पोर्शन उठा के देखें तो उसमें आपको ये क्रांतियाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्रांति दी हुई है कि श्वेत क्रांति। भाई तो जो श्वेत क्रांति होती है वो किससे संबंधित है? तो भाई जो श्वेत क्रांति है वो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर हम लोग बात कर लें, भाई सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड क्रांति दी हुई है गोल क्रांति। भाई तो गोल क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? आलू उत्पादन से। किससे संबंध है? आलू उत्पादन से। थर्ड नंबर दिया हुआ है आपका नीली क्रांति। भाई तो जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? नीली क्रांति। भाई नीली यानी कि जो पानी होता है कैसा कलर का होता है? नीला होता है। तो उसमें जो पानी होता है उसमें क्या होता है भाई? मछली होती है, जाहिर सी बात है। जो पानी होगा कहीं ना कहीं, जो नदी तालाब वगैरह होता है उसका पानी कैसा होता है कलर का? नीला रंग का होता है। जो नदियों का पानी कैसा होता है? ज़्यादातर नीला रंग का होता है। तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं। तो भाई नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। नेक्स्ट दिया हुआ है हरित क्रांति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, आपका इंडियन एयरफोर्स में ही पूछा गया है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो भाई हरित क्रांति जो है उसका संबंध जो है कृषि उत्पादन से। किससे है? कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का मतलब यार हरियाली, हरियाली और किससे संबंधित है भाई? कृषि। तो जो हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? कृषि उत्पादन से। चलिए बात कर लेते हैं रजत क्रांति। भाई रजत क्रांति का मतलब क्या है? रजत का मतलब क्या होता है भाई? चांदी। यानी कि प्रकार से भाई चांदी क्या होती है? चमकती है। भाई तो जो अंडा होता है जो व्हाइट कलर का, वो कैसा व्हाइट चमकता हुआ आपका प्रतीत होता है। तो भाई रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से। बात कर ली जाए सुनहरी क्रांति, तो भाई सुनहरी क्रांति जो संबंधित है, सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका भूरी क्रांति। तो भाई जो भूरी क्रांति वो संबंधित फर्टिलाइजर उत्पादन से। भाई जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्शन है उससे संबंधित है आपका भूरी क्रांति। जो आपके उर्वरक होते हैं वो कैसे होते हैं? ज़्यादातर भूरे रंग के पाए जाते हैं जो आपकी। तो जो भूरी क्रांति होती है वो किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। यानी कि फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके प्रोडक्शन से संबंधित है। सैफ्रन क्रांति। भाई जो सैफ्रन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। क्यों? क्योंकि जो सैफ्रन रंग कैसा होता है? केसरिया रंग होता है सैफ्रन मीन्स। तो भाई सैफ्रन क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से। नीचे दिया हुआ है खाकी क्रांति। भाई तो जो खाकी क्रांति होती है उसका संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन से। किससे? चमड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट क्रांति दी हुई है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तो भाई तिलहन में आपका आ गया जैसे सरसों हो गया, लाही हो गई है ना, जैसे आपका हो गया ये हो गया आपका तिली हो गया, ये आपका किस में आते हैं? तिलहन में आते हैं। तो जो पीली क्रांति का संबंध है वो है आपका तिलहन उत्पादन से। बात कर लेते हैं सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति का संबंध है आपका जैव तकनीक से। किससे? जैव तकनीक से। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका बादामी क्रांति। भाई तो बादामी क्रांति का संबंध है आपका मसाला उत्पादन से। जो मसाले होते हैं विभिन्न प्रकार के उसके उत्पादन से संबंध किससे संबंधित है? बादामी क्रांति से। दिया हुआ है नेक्स्ट ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो संबंधित है वो आपके चाय उत्पादन से संबंधित है। किससे? चाय उत्पादन से। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति जो संबंधित है वो टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से भी है और मांस उत्पादन से भी है, ठीक है ना। तो जो मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन दोनों संबंधित है वो कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति। बात कर लेते हैं हरित सोना क्रांति। तो भाई जो हरित क्रांति है वो तो आपकी रिलेटेड है कृषि उत्पादन से, लेकिन अगर बात की जाए हरित सोना क्रांति की, तो जो हरित सोना क्रांति है वो आपके इम्पॉर्टेंट है बांस उत्पादन से। किससे? बांस उत्पादन से। चलिए बात कर लेते हैं धूसर स्लेटी क्रांति। भाई जो धूसर स्लेटी क्रांति होती है तो कैसी होती है? सीमेंट उत्पादन से रिलेटेड है। भाई धूसर जो स्लेटी कलर होता है वो सीमेंट का होता है, तो उसी से रिलेटेड है आपका सीमेंट उत्पादन। तो दूसरा स्लेटी क्रांति जो होती है वो आपका सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं सूर्योदय क्रांति की। तो सूर्योदय क्रांति
जो संबंधित है आपकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूर्योदय क्रांति मतलब एक प्रकार सोलर सिस्टम जो आपका इस समय बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, सोलर पैनल सिस्टम। तो उससे हम लोग क्या करते हैं भाई, बिजली उत्पन्न करते हैं, ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं। तो भाई जो सूर्योदय क्रांति है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत उत्पादन से, है ना, विद्युत उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है सूर्योदय क्रांति। चलिए बात कर लेते हैं, लास्ट दिया हुआ है आपका कृष्णा क्रांति। भाई कृष्णा क्रांति यानी कि कृष्णा क्रांति जो आपका संबंधित है बायो डीजल उत्पादन से। किससे संबंधित है? बायो डीजल उत्पादन से। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ जो आपके इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम्स में ही नहीं, यानी कि डिफेंस के एग्ज़ाम्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये इम्पोर्टेंस रखती ही है, लेकिन अन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी बेहद इनका इम्पोर्टेंस है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी के वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।